नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अभी बजने जा रहा है एक, और मेरा सुबह का सारा काम हो चुका है। पूजा वगैरह सुबह में ही कर ली थी आज, और अभी मशीन लगाई हूँ कपड़ा धोने के लिए। और आज मैं बनाई हूँ टमाटर, भरवा टमाटर की सब्ज़ी, और उसकी रेसिपी मैं इसमें दूंगी, और आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनता है और अच्छा लगता है खाने में। और वही सब्जी रोटी, और आज बना है नारियल का चटनी, ये सब बना करके मैं रख दी हूँ अभी। और अब दोपहर का जो और काम है वो मैं कर लूँगी। तुम्हारा कौन बना रहा है? हम अपना बोल रहे हैं। और आज है 26 जनवरी और गणतंत्रता दिवस का आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और गणतंत्रता दिवस पर ये लाते हैं, ये हम लोग के घर में हमेशा आता है बूंदिया और सेव, वही बाबू अभी खा रहा है। अभी तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा पेट नहीं भरता है ना। और यहाँ पर मैं भी लेके बैठ गई हूँ थोड़ा सा सेव बुंदिया खाने के लिए। मशीन में कपड़ा डाली थी वो निकाल रही थी, और दूसरा कपड़ा फिर मैं इसमें डाल दी हूँ जल्दी जल्दी इसमें, ताकि हो जाए। पर मैं नारियल की चटनी पीसने जा रही हूँ, उसी के लिए नारियल कट करके रखी हूँ। और इसमें 3-4 लहसुन की कलियाँ और हरा मिर्च और धनिया ये सब डाल करके और नमक डाल करके मैं जा रही हूँ इसको पीस लूँगी। और ये नारियल का चटनी इस तरह से बनाया जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, सभी को पसंद पड़ता है। और इस तरह से राई और लाल मिर्च से इसे छौंक लगा देना है तो और इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और ये रेडी हो चुका है चटनी बन करके। और अब मैं जा रही हूँ टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए। और टमाटर उसके लिए छोटा छोटा साइज का ले ली हूँ, और ये मीडियम साइज का टमाटर है। और इसको ऊपर से कट करके इसका सारा अंदर का जो रहता है वो निकाल देना है। और इस तरह से ऊपर से कट करके धीरे किसी चीज़ से करते हुए इसका जो पल्प होता है अंदर का वो सारा निकाल देना है। और इसे सभी को इसी तरह करके रख दूंगी, और इसमें जो होता है आलू का स्टफिंग वो भर देना है, और उसके बाद इसे फ्राई करना है। और यहाँ आलू उबाल करके, और आलू को थोड़ा सा जीरा तेल और उसमें डाल करके इसे फ्राई करना है। और ऊपर से इसमें थोड़ा सा धनिया का पाउडर और लाल मिर्च और थोड़ा सा हल्दी और नमक ये सब ऐड करके इसे थोड़ा देर भूज लेना है। और भूज करके इसे निकाल देना है। और ये जो टमाटर इस तरह से करके रखा हुआ है सब में इसे भर देना है। ये देखिए पूरा खाली करके मैं टमाटर रख दी हूँ, और इसमें सारे जो स्टफिंग बनाई हूँ उसे भर दूंगी। और यहाँ पर जो प्याज है उसे फ्राई करके निकाल दी हूँ, इसका ग्रेवी बनेगा अलग से पीस करके।
और थोड़ा सा धनिया पत्ता भी मैं कट करके ऐड कर रही हूँ इसमें। और ये देखिए यहाँ पर स्टफिंग तैयार हो चुका है, और इसमें मैं भर दूंगी, अब सारे को इसी तरफ भर के रख दूंगी। पलटते पलटते हुए थोड़ा देर तक इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, और ज़्यादा पकने नहीं देना है, नहीं तो गल जाएगा। बस लाल करके थोड़ा सा उलट पलट के भूज लेना है। और यहाँ पर देखिए मैं प्याज को पहले फ्राई करके निकाल रही थी, उसी का क्लिप है। और यहाँ इसी तेल में दूसरा तेल थोड़ा सा और डाल दी हूँ, और इसमें जीरा डाल दी, और ये लहसुन कूट करके डाल दी हूँ, और इसमें सारे मसाले डालूंगी। और ये देखिए यहाँ पर है जो पिसा हुआ प्याज, उसे मैं डाल रही हूँ। और प्याज को डाल करके अब इसमें थोड़ा सा और मसाला सारा जो डाला जाता है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए हल्दी पाउडर, और ये है धनिया पाउडर, और ये लाल मिर्च। सब अपने स्वाद के अनुसार डालना है, जितना आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कम या बेसी जैसा मसाला आप लोग खाते हैं उस तरह से डाल लें। और इस तरह से डाल करके इसे भूनना है, और इसमें नमक स्वाद अनुसार जाएगा, और इस तरह से भूज देना है। और इसमें जो हम लोग टमाटर का जो निकाल के पल्प रखे हैं उसे छान करके इसमें डाल देना है। और अभी मैं इसमें छानी नहीं हूँ, अब छान करके इसमें पूरा डाल दूंगी। और पूरा डाल दी हूँ इसमें टमाटर। और ये देखिए ये है 1 चम्मच बेसन, इसे भी डाल करके इसी स्टेज में इसमें मिला करके इसको भी साथ में भून देना है। इससे क्या होता है कि जो ग्रेवी बनता है वो अच्छा बनता है, और उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। और ये देखिए पूरी तरह से इसे मैं भूज दी हूँ, और तब तक भूजना है जब तक इसमें तेल ऊपर नज़र ना आए। बहुत देर तक भूजते भूजते इसका तेल जब नज़र आता है तब इसमें पानी डालना है। देखिए पूरी तरह से मसाला भूज चुका है, अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। और ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, और बहुत अच्छी तरह से ये भूज गया है। बहुत देर तक मैं इसे भूजी हूँ। और यहाँ पर देखिए पानी ऐड कर रही हूँ, गर्म पानी थोड़ा सा डाल दीजिए, जितना इतना पानी डालना है ताकि टमाटर इसमें डला जाए, मतलब डूब जाए। और ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है अच्छी तरह से। जब उबाल आ जाए तो जो टमाटर हम लोग तल के रखे हैं वही इसमें डाल देंगे, और डाल करके और इसको थोड़ा देर तक पका देना है। और जब थोड़ा सा पानी इसका सूख जाए तब इसे उतारना है, और इसे अब ज़्यादा चलाना नहीं है, बस इसी स्टेज में ये पकते रहेगा। और बस वो ये हो अच्छी तरह से जब हो जाए तो उतारना है। और देखिए यहाँ पर मैं सारे टमाटर को इसमें डाल दी हूँ। देखिए सब्जी बन करके तैयार हो चुका है, और ऊपर से इसमें धनिया पत्ता काट करके डाल देना है। और यहीं पर वीडियो का एंड करती हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।